नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और अभी हम आए हैं सिविल लाइंस में। यहाँ कुछ अंकल बैठे थे, कुछ चाचा बैठे थे जो 1975 से जयपुर में रह रहे हैं और बहुत अच्छा विचार है इनका क्षेत्र के बारे में। तो आइए इनसे बात करते हैं कि सर, अपने क्षेत्र से अभी जो अपने प्रताप सिंह जी खड़े हुए हैं, तो क्या विचार है आपका, कैसे नेता हैं वो? नहीं, बढ़िया नेता है वो, मतलब क्योंकि हम तो जब से लड़ रहा चुनाव, जब से इसी को देते हुए आ रहे हैं हम तो वो, और काम भी अच्छा किया है। काम अच्छा किए हैं, काम अच्छा ही करा या जब भी तो है ही। पर इस बार विधानसभा हार गए, ये क्यों? अब कैसे कार्यकर्ता सही नहीं, कार्यकर्ता हो ना, मेहनत नहीं करी बस। अगर मेहनत करते ना तो अभी भी निकल जाते। ये मीडिया मोदी का बिका हुआ है। अच्छा, मीडिया टोटल है ना, मोदी का चेला है, मोदी की बोलेंगे और किसी की नहीं बोलेंगे, ना तो अशोक गहलोत की बोलेंगे, ना हमारे नेता की प्रताप सिंह जी बोलेंगे। ये सब मीडिया मोदी जी खरीदी हुई है, उनके चेले मीडिया वाले भगत है पूरे, बिल्कुल जान भी दे दे नेताजी के लिए। आप पता है छठवें आदमी मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं मैं जान दे दूं। हाँ, जान भी दे दे नेताजी के लिए, खड़े होकर कहते नेताजी की ये काम कर दे, ये कर दिया। यही वजह है जो नेताजी लोगों के अंदर इतने प्रिय हैं और यही उनको साहस देता है। अब राजनीति क्या है कि काम की राजनीति नहीं रही, अब राजनीति धर्म की राजनीति हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया धर्म पे। 17 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 17 तारीख को रामनवमी है, आप क्या मानते हो चीज़ को? ये पूरा मुद्दा उसमें बुना देंगे, उसमें पूरा लगाएंगे रामनवमी में। ये सारे के सारे है ना, जो प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, गुमराह करेंगे और उनको ये डिवाइड कर देंगे कि साहब राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए। कहाँ मंदिर गए? गया नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं जाएंगे, मौका मिलेगा तो हम सब जाएंगे। जब भी मौका, प्रताप सिंह जी के साथ जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? राम कोई एक हिंदू के तो नहीं है, राम तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, पूरी दुनिया राम ने बनाई है, सब राम के भक्त हैं, इसमें क्या दिक्कत है बताओ आप? बिल गेट्स से इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई एक जैसे बच्चा इंटरव्यू देगा ना ऐसे दे रहे हैं, उसमें कोई भी देश की बात नहीं, बिल गेट्स से क्या सवाल पूछेगा बिल गेट? आप मीडिया के सामने दो ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, 10 साल के अंदर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। मैं तो जब मानूंगा मोदी जी को कि भाई आप जो पत्रकार हैं उनको बुलवाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पत्रकार जो सवाल करें आपसे उसका आप निष्पक्ष जवाब दो कि आपने देश में क्या किया 10 साल में, कि भाई मोदी जी ने एक काम किया। हाँ, एक काम किया है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दिया। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करूँगा कि भाई काम को देख के वोट करो, धर्म के नाम पे वोट मत करो। धर्म आज चल रहा है क्या? 2014 के बाद धर्म चलाएगा? राम का जन्म 2014 के बाद थोड़ी ना हुआ है। आप राम को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोलिए। जय श्री राम। क्या दिक्कत हो गया? हमने तो जब राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था, मैंने बड़ा बोर्ड में, एक पहला मुस्लिम पार्षद हूँ, तो हमने हमारे अध्यक्ष ने हमने मिलकर यहाँ पे बड़ा सारा बोर्ड लगाया, हिंदू मुस्लिम कर रखा और क्या है। राम का जन्म 2014 के बाद थोड़ी ना हुआ है, राम का तो 5000 वर्ष पहले ही हो गया है। जब से हम राम को लोग मानते हुए आ रहे हैं, हम भी मानते, सब मानते, कोई ऐसा आदमी नहीं है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब राम को मानते, सब राम की इज्जत करते, राम को मानते, राम की सृष्टि पूरी सृष्टि राम ने बनाई है, कोई भेद नहीं है। कि ये है वो मोहब्बत जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। तो नफरत के मजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं कभी किसी से सलाम दुआ नहीं करता, कोई मिलता भाई भाई राम राम साहब करते हैं, राम राम क्या दिक्कत हो गई इसमें, मेरे को चेंज हो गया सब दिल आस्था। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई तो आप चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, बिल्कुल बेकार है वो धर्म आपके। क्या काम करते हैं, किसके मजदूर? ऑटो चलाते हैं। आप ऑटो चलाते हैं, कितने साल से चला रहे हो ऑटो? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और वोट किसको देंगे? केजरीवाल। केजरीवाल को? ये कहाँ से टपक पड़ा यार, छुड़वाना पड़ेगा ना उनको। हैं यार, ये लोग कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उधर के लोग बीजेपी के ऑटो वालों को, केजरीवाल कैसे टपक ऑटो वालों के लिए बढ़िया। अपनी अपनी चॉइस है। क्या मतलब केजरीवाल में ऐसा क्या देखा आपने जो आप उसको वोट देंगे? दिल्ली में देखा ना। अच्छा, आप दिल्ली में रहते थे पहले? मैं पूरा क्षेत्र में सुन रहा हूँ कि प्रताप जी पूरा प्रचार उचार कर रहे हैं और बढ़िया वर्चस्व है। उनके लोग कह रहे हैं कि इस बार सेकेंड चांस मिला है और छोड़ेंगे नहीं इस बार, क्या कहते हैं आप? 3 विधानसभा सीटें जो हैं प्रताप जी के फेवर की हैं, 4 विधानसभा सीटें मंजू शर्मा के फेवर की हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 महीने का जो कार्यकाल है विधानसभा का, उस पर डिपेंड करता है बीजेपी का। कांग्रेस को देते हैं हम शुरुआत से ही, कभी भी कांग्रेस को। अच्छा, एक आध काम बताइए जो कांग्रेस ने बढ़िया कराओ। 70 साल से राज करती है तो काम बढ़िया ही कर रही थी, घटिया थोड़ी कर रही थी। यहाँ तो ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ इनके पास है नहीं, बस इसी के आधार पे वोट ले रहे हैं ये लोग, दोनों में फ्रैक्शन करके वोट ले रहे हैं। क्या है, 70 साल से राज किया और देश के अंदर जो GDP बढ़ाई वो अचानक से मोदी ने बढ़ा दी? ये तो उन्हीं की बढ़ाई, ये क्या बढ़ाएंगे, ये तो वाह लुड़ते हैं काम को करके। इसलिए बाकी 70 साल में उन्होंने जो किया है वो तो किया ही है ना काम,
ये आगे 10 साल में कह रहे सब कुछ हमने ही कर दिया। क्या कर दिया तुमने? तुमने कर क्या दिया देश को? बर्बादी पर बर्बाद कर रहे हो। और क्या कर दिया तुमने? हिंदू मुस्लिम में फ्रैक्शन पैदा कर रहे हो। कल ये दोनों एक नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा? बस लोग तो ये भी कह रहे थे विधानसभा में विजय होके आएंगे पर हो नहीं पाए। इस बार क्या MP की सीट ले लेंगे? वो तो EVM की कमी के कारण। अच्छा स्विच हाथ को दबाओ और वोट BJP को डलेगा। अगर आपके भी ऐसा हाल हुआ तो फिर जब BJP जीतेगी। मेरे हिसाब से साहब BJP होनी चाहिए। BJP जीतेगी। आप बताए इन दोनों के सामने बैठे हैं कट्टर कांग्रेस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो सब पता है उनको। अच्छा हमारे तो 400 पार है। अरे ये चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए, कि वो मीणों को और इनको दिया जा रहा है, हमको नहीं मिलता है। हिंदू मुस्लिम करना था सारे एजेंडे। NPS स्टेट में BJP आते ही NPS खत्म कर दिया और कांग्रेस देके गई थी NPS खत्म करो। और BJP ने आते ही भजनलाल जी CM बैठे, पहला काम यही किया कि NPS लागू करो। आप क्या बोल रहे हैं? सब ठीक है, नेताजी तो सही है, लेकिन हम तो क्या कट्टर BJP हैं, तो हम BJP को वोट राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे। हाँ उसी को मंदिर गए, राम मंदिर को राम मंदिर के नाम पे देंगे हम तो शुरू से। BJP को देता है BJP को। चलिए धन्यवाद। कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है इस बार? BJP का वोट किसको जाएगा? BJP 400 पार बिल्कुल। और प्रताप जी अगर अच्छा काम करें तो? प्रताप जी जीतेंगे। प्रताप जी जीतेंगे इस बार। वोट आप प्रताप जी को देंगे, मोदी का चेहरा देख के देंगे? मोदी का चेहरा देख के, भले प्रताप जी कितना भी करें। हाँ। दुकान वालों में तो आज मोदी जी को वोट देंगे। क्यों मोदी जी को वोट देंगे? सर उनसे जो उन्होंने इतने सालों में अपनी पहचान बनाई है, जो हमारे लिए इनडायरेक्ट रूप से करा, उसके लिए हम चाहेंगे उन्हीं को वोट देना। आप किसको वोट दीजिएगा अंकल? मोदी को ही देंगे सर। मोदी को ही वोट देंगे। पर बेचारा राहुल गांधी इतना चल रहा है, कुछ तो दया करो उस पर। पीछे हो गया राहुल गांधी इस टाइम पे, 20 साल से बहुत पीछे हो गया। और मोदी जी ने काम अच्छे अच्छे किए इस बार। अब पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा होएगा ही होएगा, पेट्रोल तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कोई कैसे भी नहीं रुक सकती। देश का आयात निर्यात इसी से चलता है। ये दाल आटा भी महंगा होगा, ये तो नहीं रुकेगा। कांग्रेस अगर आई तो महंगाई कैसे रुकेगी? सर नहीं रुक सकती, उससे भी नहीं रुकेगी। महंगाई रुकेगी नहीं? रुकेगी नहीं। और वोट BJP को जाएगा? वोट तो BJP को ही जाएगा। देखिए कैंडिडेट का जीतना हारना ये लगा रहता है, ये राजनीति का खेल है, पर जनता के जो विचार हैं वो आप तक पहुंचने चाहिए और इसी के लिए हम कार्यरत हैं। कैमरामैन जतिन के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।